नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज पजल्स बनाएंगे अगर आप में से कोई भी नया स्टूडेंट है तो वन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री क्लासेस देखने के लिए आपको एक अनलॉक कोड की ज़रूरत होगी तो उसमें आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ए एल वन ज़ीरो इससे आप सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं किसी भी टीचर की किसी भी एग्ज़ाम के लिए ठीक है और इसी कोड का आप इस्तेमाल करके प्लस का सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना तो ऑलरेडी मेरे तीन कोर्सेज चल रहे हैं मेंस के दो और एक प्रीलिम्स का दोस्तों कॉम्बैट सीरीज़ होने वाली है कॉम्बैट टेस्ट सीरीज़ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ज़रूर एनरोल कर लीजिए बीस तारीख को टेस्ट होने वाला है और फर्स्ट प्राइज़ है इसमें फिफ्टी का अमेज़ॉन वाउचर सेकेंड प्राइज़ है थर्टी और थर्ड प्राइज़ है ट्वेंटी चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एनरोल जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए तीन मिनट का समय है तीन से चार मिनट मैक्स टू मैक्स आपको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करना है इसको इनवाइट कोड जो लगेगा कॉम्बैट में वो ए एल वन जीरो आप यूज कर सकते हैं जैसे ही आप कॉम्बैट के लिए एनरोल करेंगे आपको एक अनलॉक कोड पूछेगा तो उसमें आप ए एल वन जीरो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा तो स्टार्ट करते हैं जितने लोगों का सॉल्व हो गया डन के मैसेजेस आ रहे हैं वैसे भी जिनका नहीं हुआ है दोस्तों ध्यान से देखते जाइए कैसे सॉल्व करना था एट परसेंट अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल फोर ऑफ दम सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल फोर ऑफ दैम सीट्स एट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल एंड फेसेस आउट साइड द सेंटर ऑफ द टेबल तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है कॉर्नर वाले जो है वो कहां पर फेस कर रहे हैं बोल रहा है कॉर्नर पे जो बैठ रहे हैं फेसेस टूवर्स द सेंटर मतलब कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं ठीक है कॉर्नर वाले जो हैं ये इनसाइड फेस कर रहे हैं और मिडिल वाले जो होंगे ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं ठीक है आगे आपको क्या बोल रहे हैं सभी को अलग अलग कलर पसंद है नॉट इन द सेम ऑर्डर अब इसको दोस्तों हम थ्रेड मेथड से बना सकते हैं जिनको थ्रेड मेथड नहीं आता सीखने की कोशिश करिए दोस्तों मैं आराम से समझाऊंगा बहुत कोई दिक्कत नहीं है दस मिनट लगे चाहे पंद्रह मिनट लगे समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा ये एक थ्रेड हमने बना दिया क्यों क्योंकि हमने एक जो स्क्वायर था उसको ओपन कर दिया जो स्क्वायर की लाइंस हैं ठीक है थेके? जो ऊपर वाली ऐसे लाइन है उसको हम ऐसे ओपन किए फिर इधर वाली लाइन को और ऐसा सीधा हो जाएगा पूरा एक इमेजिन करिए तो बस वही चीज है ये आठ लोगों का अरेंजमेंट था एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ ये आठ पर्सन हमने बना दिए ठीक है अब आपको क्या बोल रहा है दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि इसमें ये वाला जो है और ये वाला जो है ये दोनों नेबर होते हैं इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है मतलब ये वाला पर्सन है इसके राइट right में कुछ नहीं है मतलब ये वाला पर्सन है ठीक है चलिए

Q हो जाएगा अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर के से क्यू इसी तरफ आपने क्यों लिखा इस तरफ क्यों नहीं लिखा दोस्तों बात एक ही होती है आप चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो सेम ही आंसर बनता है ठीक है आगे आपको दोस्तों दोस्तों बोल रहा था के faces क्यू? इसका मतलब क्या होगा और क्यू? ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे इन हो जाएंगे हो जाएंगे इन आगे आपको क्या बोल रहा था टू पर्सन सिट बिट्वीन क्यू एंड एन क्यू और एन के बीच में कितने परसेंट बैठे हुए हैं दो पर्सन बैठे हुए हैं क्या बोल रहा है

ठीक है अब दोस्तों एक चीज आपको जब पता है कि भाई कॉर्नर वाले इन देख रहे हैं मिड वाले आउटसाइड देख रहे हैं जब आपको पता चल गया कि ये इन है तो डेफिनेटली ये आउटसाइड होगा तो अल्टरनेट ही चलता है ना भाई इसमें स्क्वायर जब आप बनाते हैं तो उसमें अल्टरनेट होता है ना एक अगर अंदर है तो एक बाहर फिर एक अंदर फिर एक बाहर ऐसे ही रहता है तो बिल्कुल यहां पर भी वही करना है अगर एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ फेस करेगा फिर एक ऊपर की तरफ फेस करेगा तो एक नीचे की तरफ फिर एक ऊपर की तरफ फेस करेगा तो एक नीचे की तरफ फिर एक ऊपर की तरफ फेस करेगा तो यहां पर दोस्तों अगर आपको पता चल चुका था कि के और क्यू क्यू के फेसेस मतलब कि इन होगा यानी कि ऊपर वाला इन होगा नीचे वाला आउटसाइड होगा आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है टू पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड एन क्यू और एन के बीच में दो पर्सन है तो भाई क्यू से अगर आप एन रखना चाहो दो छोड़कर तो यहां पर एन आ सकता है उस तरफ से अगर देखोगे तो भाई ये दो परसेंट छोड़कर एन यहां पर भी आ सकता है और क्या बोल रहा है आगे आ, पी सिट से बैठा हुआ है ठीक है पी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है किससे एन से आगे बोल रहा है पी लाइक ऑरेंज पी जो है उसको ऑरेंज कलर पसंद है तो यहां पर लिख देते हैं ऑरेंज और क्या बोल रहा है आगे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल एंड वन ऑफ देम लाइक्स पिंक ओ जो है वो इमीडिएट राइट right में बैठता है एल के और किसी एक को पिंक कलर पसंद है वन हु लाइक पिंक पिंक जिसको भी पसंद होगा उसके सेकेंड टू राइट में ग्रीन वाला बैठता है ठीक है आगे बोल रहा है एम सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ओ एम जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है ओ से पर्सन हू लाइक ब्लू सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल जिसको भी ब्लू पसंद है वो कॉर्नर पर बैठता है ठीक है और क्या बोल रहा है आपको ओ डज नॉट लाइक व्हाइट एंड रेड ओ को व्हाइट और रेड नहीं पसंद है ओ को वाइट और रेड नहीं पसंद था लास्ट लाइन में बोल रहा है एम डज नॉट लाइक रेड एम को रेड नहीं पसंद तो यहां पर एम लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं चलिए तो सारी कंडीशन तो दोस्तों हमारी हो चुकी है अब देखिए यहां पर क्या करना है दोस्तों आप लोगों को जो चीजें दी हुई है उनको सेट करने की कोशिश करते हैं भाई जे के और क्यू वाला तो हमने इसको तो हमने सेट कर दिया के ब्लैक कलर था यहां पर ब्लैक लिख देते हैं अब देखिए दोस्तों इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप सेट करने की कोशिश कर सकते हो और वो सेट हो भी सकता है जल्दी से एक बार बताइए जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको आप रखकर इसको सेट करना चालू कर सकते हो दोस्तों सिंपल सी चीज है जब आपको पता है कि एल और ओ साथ में है ध्यान से सुनिएगा एल और ओ जब आपको पता है कि इमीडिएट एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं तो आपको एटलीस्ट अपने पूरे इस क्वेश्चन में कोई ऐसी दो जगह तो चाहिए होगी ना जहां पर मतलब दो एक साथ खाली हो ताकि आप एल और ओ को बैठा सको तो अभी यहां पर देखिए दोस्तों आपको क्या दिख रहा है ये जे दिख रहा है ठीक है इधर एक पर्सन है यहां एक पर्सन है यहां पर के था इधर क्यू बैठा हुआ है मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह दिख रही है जहां पर कोई ना कोई दो आप मतलब एल और ओ को यहां पर बैठा सकते हो भाई दो एक साथ चाहिए थी ना जगह एक साथ दो लोगों को आपको बैठाना है तो यही वो जगह दिख रही है अगर दोस्तों मैं एन को यहां पर लेता अगर मैं एन को यहां पर ले लेता तो एन के लेफ्ट में पी था भाई एन के लेफ्ट में ऐसे सेकेंड टू लेफ्ट में ये पी आ जाता ऐसा ठीक है तो ये तो भी से आपको ये दो जगह दिखती है एल और ओ के लिए लेकिन अगर मैं एन को यहां पर ले लेता ऐसा तो भाई सेकंड टू लेफ्ट पे यहां पर क्या आ जाता पी ये देखो एन के सेकंड टू लेफ्ट में पी एन के सेकंड टू लेफ्ट में पी ऐसे में कंडीशन आपकी गलत हो जाती क्यों गलत हो जाती क्योंकि अब आपके पास दो जगह नहीं दिख रही है एल और ओ के लिए दो जगह दिख ही नहीं रही है इस वजह से यह कंडीशन आपकी गलत हो रही थी आपको रखना ही नहीं था एन और पी को यहां पर तो क्या करेंगे जो एक ही चीज आपकी बच रही थी उसी को रखते हैं एन को यहां पर पी को यहां पर

अच्छा पिंक से एक छोड़कर ग्रीन लेना है दोस्तों जब आपको पता था कि भाई पिंक यहां पर इनमें से किसी एक पर आने वाला था आपको पता था इनमें से ही किसी एक पर पिंक आएगा बोला था ना भाई एल और ओ में से किसी एक में पिंक अगर आप एल पे पिंक लेते हो तो भाई पिंक के सेकंड टू राइट में यहां पर आप ग्रीन ले सकते हो पॉसिबल है लेकिन अगर आप ओ पे पिंक ले लेते तो भाई सेकंड टू राइट इस तरफ आ जाता क्योंकि नीचे डायरेक्शन है ना तो सेकंड टू राइट इस तरफ क्या यहां पर ग्रीन ले पाते नहीं इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा यहीं पर लेना पड़ेगा पिंक और पिंक के सेकेंड टू राइट right में ग्रीन तो ये वाली कंडीशन भी आपकी सेट हो गई अब आपके पास क्या बचा है दोस्तों देखिए यहां पर ध्यान से आपके पास कॉर्नर वाले इनसाइड थे ठीक है कॉर्नर वाले इनसाइड थे और ब्लू वाला कॉर्नर पे ही है तो भाई ये इनसाइड जो आपको दिख रहा है यहीं पर आप ब्लू रख सकते हो क्योंकि इस इसपे आपका ब्लैक हो चुका है इस इसपे पिंक हो चुका है इस इसपे ग्रीन हो चुका तो मतलब ब्लू के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बच रही है अब आपके पास दोस्तों ओ एन और एम बचा है जिसमें कि ओ और एम दोनों को ही रेड कलर नहीं पसंद तो अगर ओ को रेड नहीं पसंद एम को रेड नहीं पसंद तो डेफिनेटली रेड कलर जो होगा वो एन को पसंद होगा अब ओ को अगर व्हाइट नहीं पसंद ओ को अगर व्हाइट नहीं पसंद तो डेफिनेटली इसको व्हाइट पसंद होगा एक कलर जो बच गया उसको आप रख दो ओ पे और क्या ये सही है जल्दी से बता दीजिए दोस्तों एक बार उम्मीद करता हूं सभी को थ्रेड मेथड अच्छे से समझ में आया होगा बहुत आराम आराम से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एक एक चीजें अगर अभी भी नहीं आया समझ में कोई बात नहीं दोस्तों और भी क्लासेस होते रहती है दे, देखते रहिए डेली धीरे धीरे सीख जाओगे इसमें आप लोगों के आंसर बिल्कुल सेम रहेंगे ठीक है ये वाले आपके इन साइड है और ये वाले आपके आउटसाइड हैं आंसर आप कोई सा भी देख सकते हो अगर मैं आपसे पूछूं के के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है तो के के इमीडिएट राइट में पी ऑरेंज वाला बैठा हुआ है अगर मैं आपसे पूछूं के के सामने कौन बैठा है सॉरी P के सामने कौन बैठा है तो P से 3 छोड़ लो. P से छोड़कर छोड़कर उसके सामने बैठा है एम जस्ट ऑपोजिट में एम बैठा है आपने अगर स्क्वायर में बनाया है तो पी के सामने आपको एम दिखेगा जे के सामने आपको एल दिखेगा एन के सामने आपको ओ दिखेगा और K के सामने आपको क्यू दिखेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से बनाइए दोस्तों बिल्कुल एस बी का लेवल है ये चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आंसर आ चुका होगा आप लोगों का आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा तो स्टार्ट करते हैं इसको सेवन बर्ड्स ई आर इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम ऑफ इन साउथ डायरेक्शन बट नॉट द सेम ऑर्डर ठीक है तो एक रो पर टोटल आठ पक्षी बैठे हुए हैं बर्ड्स बैठी हुई हैं ठीक है तो आप लोगों को क्या है सेवन बर्ड्स बैठे हुए हैं कुछ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं कुछ साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं ठीक है आगे बोल एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो आर जो है वो थर्ड टू राइट में है ओ से ओ से पहला दूसरा ये तीसरा राइट में आर बैठा हुआ है आगे आपको बोल रहे सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ दल ओ जो कि सेकंड Uh, कहां पर बैठा है ओ हु सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ दॉल ओ जो है वो किसी एक एंड पर है सेकंड फ्रॉम एंड सेकंड एंड ऐसा लिख सकते हैं इसको भाई. टू अदर मतलब कि एंड्स वाले जो होंगे वो ऑपोजिट फेस कर रहे होंगे आगे आपको बोल रहा है एस सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच एस जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा है किससे एच से आगे आपको बोल रहा है सेकंड टू द राइट ऑफ एच एच है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है किससे सेफ से ये H जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है एफ से और बोल रहा था इमीडिएट नेबर ऑफ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर इमीडिएट नेबर ऑफ एच तो एच के जो इमीडिएट नेबर होंगे ये ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं एक दूसरे से मतलब अगर ये वाला अंदर ऊपर की तरफ देख रहा है ये नीचे की तरफ देखेगा ठीक है द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस पी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एस एस के सेकंड टू राइट में पी बैठा हुआ है और क्या बोल रहा है एच एंड एस फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर एच और एस का डायरेक्शन जो होगा ये ऑपोजिट होगा <coughs> एफ डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एस एफ जो है वो एस के बगल में नहीं बैठा मतलब एफ यहां पर और यहां पर नहीं होना चाहिए इससे ये कंडीशन ये कंडीशन दोनों मर्ज हो जाएगी ठीक है कैसे होगी बताऊंगा अभी जिनको नहीं पता तो यहां पर बोला एफ डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एस ई सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ पी ई सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ पी ई जो है वो फोर्थ लेफ्ट में बैठता है एक दो तीन और ये हो गया पी E जो है वो P के फोर्थ लेफ्ट में बैठता है R आर डॉट फेस इन नॉर्थ डायरेक्शन R जो है कि H से राइट right की तरफ में S होना चाहिए लेकिन एच से एक परसेंट छोड़कर आपको एफ भी चाहिए था तो एच से एक परसेंट छोड़कर एफ आप यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो एच से एक परसेंट छोड़कर आप एफ को इस तरफ ले सकते थे और एफ से लेफ्ट की तरफ में एच होना चाहिए तो एफ से लेफ्ट की तरफ में एच कब होगा जब ये नीचे की तरफ फेस कर रहा होगा ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा तभी इसके राइट में एस होगा यही चीज पॉसिबल है इसको मैं अलग से बना देता हूं ये देखिए एच के से दो परसेंट छोड़कर राइट साइड में एस कब पॉसिबल है जब ये ऊपर की तरफ देखेगा और एफ से ये देखो एफ से लेफ्ट की तरफ में एच कैसे पॉसिबल है जब ये नीचे की तरफ देखेगा तभी ये एच हो पाएगा और कोई भी जगह नहीं है ठीक है तो ये टोटल आपके छह परसेंट दिख रहे थे यहां पर टोटल यहां पर आपको छह परसेंट दिख रहे ना इसके अलावा दोस्तों और क्या चीज को हम सेट कर सकते हैं कोई बता सकता है इसमें जल्दी से बताइए सात थे क्या मैं यहां पर आठ बना दिया हूं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ मैंने आठ बना दिया इसको मैं हटा देता हूं ये सात है एक दो तीन चार पाँच छः सात सात ही तो है ठीक तो है ठीक तो है दोस्तों सही तो है एकदम देखिए क्या कर सकते हैं दोस्तों इसको क्या देखो ध्यान से दिख रहे हैं तो, तो को पहले सेट कर देते भाई कहीं से भी स्टार्ट करो तो एक को हटा देते हैं यहां से इसको एक को हटा देते हैं इतने को ही हम बनाते हैं एक इधर बना लेते हैं ऐसा ठीक है उधर का हटा देते हैं इसको हम बोलते डॉट मैथड डॉट मेथड से हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई ये ध्यान से देखते जाना भाई आपको तो पता है एफ नीचे की तरफ फेस कर रहा है रख देते हैं यहां पर F नीचे की तरफ फेस कर रहा है एक छोड़कर एच होना था जो कि ऊपर की तरफ फेस कर रहा है ये भी हमने रख दिया दो छोड़कर आपको एस रखना था दो छोड़कर हम एस को यहां पर रख देते हैं इतनी चीजें तो हम सेट कर सकते थे ये वाली कंडीशन हमारी हो गई इसको काट देते हैं इसमें और कुछ भी नहीं बचा भाई सेट करने के लिए अब दोस्तों अगर यहां पर आप ध्यान से सुनना भाई आपको क्या चाहिए था सात पर्सेंट मतलब एक परसेंट या तो उस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा एक एक करके दोनों को चेक करते हैं लेट सपोज कि भाई एक पर्सन जो था हमारा वो इस तरफ था अभी के लिए मान लेते हैं कि भाई उस तरफ था तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा भी? आपको ओ जो था वो सेकंड फ्रॉम द एंड चाहिए था भाई यहां से सेकंड फ्रॉम द एंड पे तो आप ओ को रख नहीं सकते मतलब डेफिनेटली आपको ओ को यहीं पर रखना पड़ता और तो कोई जगह ही नहीं थी आपके पास और कोई भी जगह नहीं थी तो ओ से राइट की तरफ में अगर आपको आर चाहिए तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ देखेगा दो छोड़कर आर होगा यहां पर ऐसा तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी क्यों क्योंकि ई e और पी के बीच में तीन चाहिए थे ई e और पी बीच में दो ही आ रहे हैं पॉसिबल नहीं हो पाता गलत हो जाता हाँ या ना जल्दी देख के बताइए गलत हो जाता ना ये तो अब क्या करेंगे दोस्तों इसमें हम इसमें थोड़े से हम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं भाई इसको हटा देते हैं इस तरफ से ठीक है और क्या करते हैं एक बार लेफ्ट में लगाकर देखते हैं

P, यहाँ पर भी देखो ई e, पी दोनों में से कोई कहीं पर भी आ सकता है हमको नहीं पता हमको नहीं पता भाई कौन कहां पर आएगा ठीक है तो अब आपको जैसे ही पता था कि एच और एस का डायरेक्शन ऑपोजिट है अगर एच ऊपर की तरफ देख रहा है एस नीचे की तरफ देखेगा भाई कंफर्म हो गया एंड्स वाले ऑपोजिट थे अगर ये नीचे की तरफ देख रहा है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ देखेगा अब जब आपको पता है, P से लेफ्ट की तरफ में ई e है P से अगर लेफ्ट की तरफ में E है आप यहां पर तो P को ले नहीं सकते भाई अगर आप यहां पर P को ले लोगे तो इसके लेफ्ट में इधर तो कुछ जगह ही नहीं दिख रही ना आपको बट डेफिनेटली आपको E को ही लेना पड़ता है यहां पर और P को यहीं पर लेना पड़ेगा डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही दिखाना पड़ेगा डेफिनेटली क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में तीन छोड़कर ई था यह देखो तो ये चीज भी हो गई ये चीज भी हो गई ये भी हो गया ये भी हो गया एस के सेकंड टू राइट पे पी था देखो भाई एस के सेकंड टू राइट पे पी दिख रहा है ये भी हो गया एच एफ के सेकंड टू लेफ्ट में था तो ये वाली भी हो गई थी एच के अगल बगल वाले ऑपोजिट डायरेक्शन अगर एच के इस तरफ वाला ऊपर देख रहा है तो ये नीचे की तरफ देखेगा आर जो है वो साउथ फेस कर रहा है ये देखो आर हमारा साउथ फेस कर रहा है मतलब बिल्कुल परफेक्ट बना है हमको कुछ भी चेंजेस करने की इसमें जरूरत नहीं थी कोई भी इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी एक बार जल्दी से बताइए सभी का यही आंसर आ रहा है सेम आंसर आ रहा है सभी का ठीक है तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर सेशन को खत्म करेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है जिस वजह से मैं सेशन को जल्दी खत्म कर रहा हूँ मिलेंगे कल के सेशन में कल हम पजल्स के साथ साथ दूसरे टॉपिक भी करेंगे ये सीरीज आप लोगों की अभी चलते रहेगी मंडे टू मतलब पूरा ये कंटिन्यू सीरीज़ चलते रहेगी डेली बारह बजे आधे घंटे पौन घंटे का सेशन होगा मतलब थर्टी मिनट्स टू फोर्टी फाइव मिनट्स का बीच का ये सेशन होगा डेली तो डेली बारह बजे यहाँ पर पहुँच जाया करिए बिना बुलाए मैं अगर कमेंट मैं अगर मैसेज नहीं भी करता हूँ अगर मैं पोस्ट नहीं भी डालता हूं क्लास के लिए 12 बजे एक बार आके चेक जरूर कर लिया करो दो से चार मिनट के अंदर अंदर क्लास स्टार्ट होती है मतलब डेफिनेटली क्लास होगी ठीक है जिस दिन क्लास नहीं होने वाली रहेगी मैं बिल्कुल आप लोगों को टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा तो इसी के साथ दोस्तों ख़त्म करते हैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है आ... कॉम्बैट टेस्ट के लिए तो जरूर कर लीजिएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले तो दोस्तों जो नए स्टूडेंट्स हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको सर्च करना है और डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को उसमें एक कोड पूछेगा जब आप लिंक पे क्लिक करोगे और एनरोल करने की कोशिश करोगे तो एक कोड आपसे पूछेगा तो उस कोड की जगह पर आपको डालना है ए एल वन जीरो ठीक है ये जो कोड आपको दिख रहा है यहां पर ए एल वन जीरो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो अनलॉक हो जाएगा आपकी फ्री क्लासेस और फ्री कंटेंट फ्री टेस्ट सब कुछ अनलॉक हो जाएगा आप सारी क्लासेस देख पाएंगे सब कुछ आप एक्सेस कर पाएंगे अन अकेडमी पर ठीक है इसके अलावा दोस्तों अगर आप अन अकेडमी प्लस के बैचेस लेना चाहते हैं कोर्सेस लेना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स कोड का इस्तेमाल करके टेन परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हैं मेरे तीन कोर्सेस ऑलरेडी अभी चल रहे हैं और पच्चीस uh, से ज्यादा कोर्सेज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं जिनकी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी उन सभी की और सिर्फ मेरी ही नहीं दोस्तों दूसरे जितने भी टीचर्स हैं चाहे वो बैंक चाहे वो मैथ्स के हों रीजनिंग के हों इंग्लिश के हों या जीके के हों आप सारे टीचर्स की सारी क्लासेस सारे कोर्सेज सारे एग्जाम के एक्सेस कर सकते हो वन ईयर का सब्सक्रिप्शन प्राइस है सिक्स थाउजेंड और टू ईयर का सब्सक्रिप्शन प्राइस है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड इसमें आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं जो आपको कॉइन्स मिलते हैं उनको आप रिडीम करके डिस्काउंट ले सकते हैं ठीक है तो खत्म करते हैं सेशन को मिलेंगे नेक्स्ट में थैंक यू फ्रेंड जी, ऑल द बेस्ट उम्मीद करता हूँ आज के पजल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे